दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे नए ब्लॉग पर। आज मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ हर भारतीय आज की तारीख में जाना चाहता है, और वो है इसराइल। और हर भारतीय इसलिए वहाँ जाना चाहता है क्योंकि हर भारतीय का इसराइलियों से एक डीप कनेक्शन है, और इसराइल इस वक्त जंग में लविस है। तो हर भारतीय चाहता है कि वो अपने इसराइली भाई बहनों को इस जंग में किसी न किसी तरह मदद कर सके। मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ के नज़ारे आपको दिखाऊँगी, शायद हम वहाँ हॉस्टेज से भी बात कर लें। जो बुरी वारदातें वहाँ हुई हैं उसके बारे में भी मैं आपको वहाँ बताऊँगी, और जो वहाँ की खूबसूरती और कल्चर है उसके भी नज़ारे मैं आपको दिखाऊँगी। दोस्तों, चलते चलते मेरी मुलाकात एक ऐसी ज्यूइश फैमिली से हुई जो एक्चुअली इंडियन है। ये कहते हैं कि इनकी पैदाइश मुंबई की है, माटुंगा की। 50 वर्ष नंतर किलो मी परत इंडिया बगैर सर्टिफिकेट कराना बहुत अच्छे है। इतनी मराठी मुझे आती नहीं आगे, बट अंकल आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा। और आज इनका प्रेयर डे है। शालोम शबाद शालोम बहुत अच्छा जा रहे हैं। मैं आप सबका वक्त नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जो इजरायली इतिहास को दर्शाता है, तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस की मैंडेट के हिसाब से इजरायल और फलस्तीन दो हिस्सों में बंटने थे, लेकिन अरबी लोग इससे खुश नहीं थे जो अरब फलस्तीन थे। तो अरबी मॉब्स ने हमला कर दिया इस जेरूसलम शहर पर, और 1948 में जो है ये हमला हुआ था, और इजरायल के सोल्जर्स ने इन हमलों को रोका था। इनकी सुप्रीम सैक्रिफाइस को दर्शाने के लिए ये पीछे, जो मेरे पीछे आप स्टैचू देख सकते हैं, ये बनाया गया था उनकी याद में। तो यहाँ पर बैठ के दोस्तों वो फीलिंग आ रही है कि इन लोगों ने कितनी जंगें की, कितना लड़े हैं ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। The Arabs were like they were nomads back then. They appear rarely in the Bible. आप यकीन नहीं करोगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जी, मैं मस्जिद अल अक्सा की तरफ जा रही थी। आप सबको पता है कि मुस्लिम्स के लिए बहुत ही मुबारक जगह है, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह मैंने देखी। आप जानते हैं इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को दोस्तों जहन्नम कहते हैं। जी हाँ, जहन्नम जो हम कहते हैं, जिसको नर्क कहते हैं मुस्लिम्स में, वो नाम इसी वैली से निकला है। इस वैली का नाम है गई बेन हनोम, जिससे जहन्नम वर्ड निकला है। अब इसको जहन्नम क्यों कहते थे? वो इसलिए क्योंकि बहुत पहले जो आइडल वर्शिपर्स थे इस एरिया के, बहुत साल पहले, मतलब जुडाइज्म के भी पहले, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के भी पहले, जो यहाँ पे आइडल वर्शिपर्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर दुष्कर्म करते थे, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को सैक्रिफाइस करना, ज़िबा कर देना, कुर्बान करना, प्रोस्टिट्यूशन, प्रेयर्स के नाम पर गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें, तंत्र मंत्र, वो सब यहाँ पर करते थे। तो इस वजह से इस जगह का नाम ही जहन्नम रख दिया गया। और हर कोई, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको मोसेस कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब ने इस जगह को कंडेम किया क्योंकि यहाँ पर गलत चीज़ें होती थी। और जिन आइडल वर्शिपर्स का मेंशन है, वो ये गलत वाले आइडल वर्शिपर्स थे। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में हिंदुओं को लगता है कि आइडल वर्शिपर्स जो कुरान में मेंशन है वो हिंदुओं के बारे में, वो हिंदुओं के बारे में नहीं है, वो इन गलत लोगों के बारे में है जो प्रेयर्स के नाम पर गलत चीज़ें करते थे बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ। उनके खिलाफ थे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन्हीं के खिलाफ थे। या
around this place there is four gate. That's Al Qibla gate because it's the side of Al Qibla. There is four gate, which is mean four seasons in the year. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Now we are in Al Masjid Al Aqsa, which is the holy place, that the place where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the Anbiya was here. And the Prophet Muhammad, so inside Al Masjid Al Aqsa, there is five masjids. There is one of that masjid is the Dome of the Rock, which is in Arabic Kubbat Al Sakhra. That's the place where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ascended to heaven. And so that ayameen that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have come from Makkah to here, and from here alayhi salam he ascended to heaven. To Sidratul Muntaha. So the Dome of the Rock, around it there is two surah from Al Quran written on it. Written on the Dome, yeah, of the Rock. Which are those two surahs? Surah Yasin and Surah Al Isra. Do you have any idea when it was written? Which year? How long ago? Since the Umayyad period. The Umayyad period. No, it should be like Abdul Malik ibn Marwan, he built this place, but it was before that. Time, but as we see now, the things that from the Umayyad time. Yeah. Yeah. This Dome of the Rock, which is for the Umayyad for the world, Muslim इस पर नजर पड़ जाए. और मैं खुद को बहुत ही लकी महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर आज हूँ. मुकम्मल सी फीलिंग आ रही है कि ज़िंदगी मुकम्मल हो गई यहाँ पर आकर. और यहाँ पर जब आप आते हो तो ऐसा लगता है कि खुदा के बहुत नज़दीक आ गए. स्टोरी जैसी जगह लग रही है, डायगोनल एली की तरह. इट्स सो ब्यूटीफुल. डावर म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हैं ये जो वॉल्स हैं ये 2000 साल से ज़्यादा पुरानी, आप मेरे आसपास मेरे पीछे देख सकते हैं. और ये वॉल जो है इस पर एक इंटरैक्टिव सेशन चलता है इस तरह से, जिससे पूरे जेरूसलम की हिस्ट्री आपको पता चलेगी. आप हैरान होंगे जान के, जूश रिलीजन ही नहीं बल्कि जूश के बाद क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम, सबका जन्म इसी धरती से हुआ है. आपको ये भी बता दूं कि जिस डेविड का यह जिक्र हो रहा है, टावर ऑफ डेविड, वो मुस्लिम्स में दाऊद अलैहिस्सलाम के प्रॉफिट माने जाते थे. उनकी स्टोरी भी कुछ अलग है, आप गूगल पर देख सकते हैं. तो आप ये समझ जाएंगे कि तीनों इब्राहिमिक रिलीजन किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और मैं एक और बात आपको बता दूँ, यहाँ के इसराइल के जो जूज़ हैं वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी धरती पर क्रिश्चियनिटी भी जन्मा, हमारी धरती पर इस्लाम भी जन्मा. और वो क्रिश्चियन और इस्लामिक रूलर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. वो ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी जब इसराइल में आई, इस धरती पर आई, तब उसको इसराइल नहीं बोलते थे, लेकिन जब इस धरती पर क्रिश्चियनिटी आई तो सिटीज़ जो हैं वो बहुत अमीर थे, हर जगह सोना दिखता था. और जब मुस्लिम रूलर्स आए टर्की से ममलूक पीरियड में और इन सब पीरियड्स में, तो यहाँ पर स्कूलें बनी, यहाँ पे ट्रेन्स बनी मुस्लिम रूलर्स की वजह से. और ये लोग इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं अपनी हिस्ट्री को. जेरूसलम की पूरी हिस्ट्री जो है इस टावर ऑफ डेविड कॉम्प्लेक्स में कैद है. वो जो आपने अभी मीनार देखा वो मुस्लिम रूलर्स ने बनाया था. उससे पहले क्रिश्चियंस ने ये वाला टावर ऑफ डेविड बनाया था. और उससे भी पहले 2000 साल पुराना ये कॉम्प्लेक्स बना था. ये वॉल्स बनी थी जो जेरूसलम को गार्ड करती थी. इसके उस तरफ जेरूसलम शहर हुआ करता. आप सोच सकते हैं कि कितना ये कितनी पुरानी जगह है और कितनी सारी हिस्ट्री, तीन अलग अलग मजहबों की हिस्ट्री यहाँ पर कैद है. और यहाँ से आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा. और ये नज़ारे भी कितने खूबसूरत हैं. ये टावर जो बना था, जो क्रिश्चियंस ने बनाया था, इसको टावर ऑफ डेविड नाम दिया.
किया था क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर ये टावर बना था जो किंग हुआ करते थे जूस के पीरियड में. ये टावर बना था क्रूसेडर्स के टाइम पे और डिफेंस के मकसद से. Yes. So, दोस्तों मैं अब टावर ऑफ डेविड के ऊपर जा रही हूँ. आइए इन खुफिया स्टेयरकेस को हम देखें, खुफिया स्टेप्स को, और यहाँ से हम ऊपर चलते हैं टावर ऑफ डेविड म्यूजियम के टॉप पे. जहाँ आज अल अक्सा मॉस का गोल्डन रॉक डोम है, वो दरअसल 2500 साल पहले एक टेंपल हुआ करती थी जो कुछ इस तरह की दिखती थी. अब इसका सबूत ये है कि इस कॉम्प्लेक्स के नीचे जो आज भी एग्जिस्ट करता है, इसके नीचे बहुत सारी ऐसी रेमनेंट है उस पीरियड की, और लिटरेचर भी है, पुराना जूश लिटरेचर, जहाँ पे लिखा है लोग कह रहे हैं कि हम टेंपल में प्रे करने जा रहे हैं. अब ये जो है ये भी उस पुरानी फर्स्ट टेंपल का मॉडल नहीं है. उस पुरानी फर्स्ट टेंपल 500 BC में बेबीलोनियंस ने डिस्ट्रॉय किया था, फिर उसके बाद ये सेकंड टेंपल बना, लेकिन इसको भी रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया फर्स्ट सेंचुरी में. उसके बाद यहाँ पर अलक्सा मॉस बनी कई सालों के बाद, और अब ये पूरा जो एरिया है ये जॉर्डेनियन वक्फ के अंदर आता है. और बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि ये जूस की कंट्री में है इस वक्त, लेकिन जूस को यहाँ जाकर इबादत करने की परमिशन नहीं मिली. यानी कि मुस्लिम्स का पहला किला जेरूसलम की तरफ था, ना कि मक्का की तरफ. मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो भी मुस्लिम रूलर्स आए थे उन्होंने किसी टेंपल को तोड़ा नहीं, उन्होंने बाइज्जत बाकी लोगों को रहने दिया, जीने दिया और इबादत करने दिया अपने अपने मजहब के हिसाब से. उन्होंने यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा स्कूल्स बनाए, रेलवे बनाए, और यहाँ के लोग कहते हैं कि उनसे कभी जजिया नहीं लिया गया. तो ये है मुसलमानों के असली एंसेस्टर्स, जिनको शायद कई मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के भी कई मुसलमान भूल चुके हैं. वो उन्हीं को याद करते हैं जो जजिया लगाया करते थे गैर मुसलमान, वो उन्हीं को याद करते हैं जो टेम्पल्स लूटा करते थे, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारे असली एंसेस्टर्स दरअसल ये लोग थे जिनको आज भी ज्यूज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. इनफैक्ट ज्यूज जो हैं इसराइल में अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसी रीज़न से, और जो मुस्लिम्स हैं इसराइली मुस्लिम्स वो पूरी तरह से इसराइल को अपनी लाइफ डेडिकेट कर चुके हैं और इसराइल के लिए लड़ रहे हैं उनकी वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस में हमास के खिलाफ. So you see them one coming after another, and that is symbolized also in the calendar that we see every year. दोस्तों जैसे आपने देखा ये डोम ऑफ द रॉक गोल्डन डोम, यहाँ पर जूस इबादत करने के लिए आते थे, वर्शिप करने के लिए आते थे, लेकिन हैरानी की बात है कि सिक्स डे वॉर जीतने के बाद भी इन लोगों ने इस गोल्डन डोम कैंपस की चावी जॉर्डेनियन वक्फ को वापस कर दी और कहा कि कोई बात नहीं, ये आप लोग ही संभालो. आज तक यहाँ पर जूस को जाने की, यहूदियों को जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि 2500 साल पहले तक ये उन्हीं की टेम्पल हुई करती थी, लेकिन आज वो यहाँ जा नहीं सकते. तो यहाँ पर इस वॉल तक इनको जाने की इजाजत है, यानी कि गोल्डन डोम के बाहर जो ये वॉल है सिर्फ इसको छूकर ये लोग वर्शिप करते हैं, इसको चूमते हैं और अपनी पुरानी यादें, जो मजहबी यादें, उसको याद करते हैं. कितनी अफसोस की बात है कि इन्हीं के सरजमीन पर, इन्हीं के टेम्पल माउंट पर ये जाकर इबादत नहीं कर सकते. बहुत अफसोस की बात है. यहूदियों का कहना है कि हमारी जंग मुसलमानों के साथ नहीं है, हमारी जंग सिर्फ अपनी जमीन के लिए है ताकि हम यहाँ पर सरवाइव कर सकें, इसलिए यहाँ की चाबी इन्होंने जीतने के बाद भी वापस जॉर्डन को दे दी.
हैरानी की बात क्या है कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर सिर्फ मुसलमानों को अलाउड है, लेकिन जो ज्यूज की ये जगह है जहाँ इस वॉल पे ये लोग इबादत करने आते हैं टेम्पल के बाहर, वहाँ पर कोई भी अलाउड है, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी। मैं यहाँ आ गई हूँ और इनकी जो सिंबॉलिक प्रेयर है ये मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी इसमें शामिल होकर देखना चाहती हूँ कि कितना सुकून मिलता है इन लोगों को। तो देखिए मैं ये कैसे करती हूँ। मुसलमान है,